खंडवा में मिलावटखोरों पर लगातार कार्यवाही कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने जिस प्रकार ताबड़तोड़ मिलावटखोरों की कमर तोड़ दी, उसी के तहत एक दिन पूर्व ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नकली घी बनाने का कारखाना पकड़ा था और आज नगर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल दबिश देकर भारी मात्रा में नकली रसोई घर में उपयोग होने वाली हल्दी, धनिया, मिर्ची, खड़े मसाले सहित अन्य में किस प्रकार मिलावट का बड़ा खेल खेला जा रहा था, दबिश देकर मौके से हीरालाल को पकड़ा है। हीरालाल ने बताया कि चावल की छोरी को पीस कर कलर मिलाकर हल्दी बनाई जाती है, वहीं मिर्ची धनिये में भी बड़ा मिलावट की जा रही थी। नगर पुलिस अधीक्षक ललित जी और पदम नगर थाना प्रभारी आटोंदे, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी बनवारी लाल मंडलोई और पुलिस के कर्मचारियों ने एक साथ दबिश देकर भारी मात्रा में मिलावट के खेल को पकड़ा है। नौकर हीरालाल ने बताया कि मैं गांव का रहने वाला हूं, यहां काम के कारण चक्की चलाना आता था, इसलिए आबिद और शेख शब्बीर द्वारा मुझे यहां पर काम पर रखा गया था। जो मुझे बोलते थे मैं वो कर देता था। 250 रुपए मजदूरी देते थे और गोडाउन पर दबिश देने के बाद खाद्य और औषधि अधिकारी राधेश्याम गोल द्वारा विभिन्न मसालों के सैंपल पॉलिथिन में जब्त किए गए। पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है। एक मिनट, इधर इस साइड से हो जाना, इधर ले ले, इस साइड से ले ले। यह निर्देशित किया गया है कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में खंडवा पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह के निर्देशन में आज एक टीम तैयार की गई, जिसमें थाना प्रभारी मोगट श्री बीएल रटोदे और थाना प्रभारी कोतवाली श्री बीएल मंडलोई के साथ और इसके साथ खाद्य विभाग की टीम के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें एक हकीमी ट्रेडर्स नाम के व्यक्ति की दुकान जो मसाला का विक्रय करने का कार्य करता है, वहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई। मौके से ये पाया गया कि उसमें जो भी खाद्य सामग्री, जो मसाले पाउडर हैं, विशेष रूप से हल्दी, मिर्ची और जो धनिया पाउडर होता है, उसमें मिलावट होना प्रतीत हुआ था, जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लिया और मौके जो उनका एक गोडाउन है मानसिंह मिल पर स्थित है, वहाँ पर टीम जब पहुँची तो वहाँ पर एक व्यक्ति हीरा लाल नाम के व्यक्ति को मिलावट करते हुए पाया गया। इस पूरे क्रम में अभी अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और जो मिलावट हल्दी में की जाती थी उसके साथ साथ वहाँ पर से कुछ केमिकल्स, कुछ कलरफुल मटेरियल और जो चावल है और कुछ मक्का का जो उसमें ग्रेन्यूल है।